दोस्तों आज से शुरू होगा आईपीएल का रोमांच। इस वीडियो में हम गुजरात और चेन्नई का प्लेइंग 11 बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। आईपीएल के पहले मैच में गुजरात के लिए डेविड मिलर उपलब्ध नहीं होंगे, वहीं चेन्नई के लिए दो श्रीलंकाई खिलाड़ी मतीसा पतिराना और महेश तिरछाना शुरुआत के दो मुकाबले नहीं खेलेंगे। युवा कप्तान हार्दिक पांड्या का जोश, लगभग 42 साल के महेंद्र सिंह धोनी का अनुभव, आईपीएल 2023 के पहले मुकाबले में कप्तानी के दो नए तेवर देखने को मिलेंगे। पिछले साल आईपीएल में प्रवेश करने वाली गुजरात टाइटंस ने खिताब जीतकर अपनी क्षमता को साबित किया था। हार्दिक को कभी भी यह कहने में संकोच नहीं हुआ है कि उन्होंने कप्तानी के गुण अपने आदर्श महेंद्र सिंह धोनी से सीखे हैं। एक तरह से यह गुरु और शिष्य के कौशल की टक्कर है। गुजरात की टीम में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के अलावा बल्लेबाज शुभमन गिल शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। स्पिनर राशिद खान उन गेंदबाजों में शामिल है जो अपनी लय और निरंतरता बनाए रखते हैं। ऐसे में गुजरात की टीम को हराना आसान नहीं होगा। डेविड मिलर राष्ट्रीय टीम के मैचों के कारण शुरुआती मुकाबलों के लिए उपलब्ध नहीं है। जोश वालिटिल भी पहले मैच में उपलब्ध नहीं होंगे। ऐसे में बल्लेबाजी का दारमदार मध्यक्रम पर ही रहेगा, लेकिन राहुल तेवतिया पिछले वर्षों में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहे हैं। वो ऐसे बल्लेबाज हैं जो एक दो ओवर में मैच की तस्वीर बदलने की क्षमता रखते हैं। न्यूजीलैंड के धुरंधर केन विलियमसन T20 के प्रारूप में मुश्किल पिच और खास दिन बेहद कारगर रखते हैं। धोनी को T20 का अपार अनुभव है। हालांकि पिछले साल टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने में सफल नहीं हो सकी थी। अनुभवी कप्तान धोनी चार विदेशी खिलाड़ी के साथ उतर सकते हैं, डेविन कॉनवे, बेन स्टोक, मोहिन अली, ड्वेन पिटोरियस। बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करेगा कि रविंद्र जडेजा, अंबाती रायडू और खुद कप्तान धोनी बल्ले से कितना रन का योगदान दे पाते हैं। गेंदबाजी विभाग में चेन्नई के पास दीपक चहर और सिमरजीत सिंह होंगे। अल्जारी जोसेफ के साथ युवा तेज गेंदबाज शिवम मावी गुजरात की टीम के साथ जुड़े हैं। गेंदबाजी में मोहम्मद शमी के साथ कप्तान हार्दिक पांड्या का भी विकल्प है। यश दयाल का पहला सीजन अच्छा रहा था, लेकिन सदैव मुश्ताक अली ट्रॉफी में वह बेहतर नहीं कर पाए। उन्होंने 6 मैच में केवल 2 विकेट लिए थे। प्रदीप सागवान और मोहित शर्मा भी हैं। विकेट कीपर के रूप में रिद्धमान शाह ने पिछले वर्ष अच्छा किया था, लेकिन इस बार T20 बल्लेबाज के रूप में कोना भरत भी उपलब्ध है। सबसे पहले हम चेन्नई की प्लेइंग 11 की बात करते हैं। ऋतुराज गायकवाड़, डेविन कॉनवे, बेन स्टोक, अंबाती रायडू, मोहिन अली, रविंदर जडेजा, शिवम दुबे, महेंद्र सिंह धोनी, ड्वेन पिटोरियस, दीपक चहर, सिमरजीत सिंह। वहीं गुजरात टाइटंस की बात करें तो शुभमन गिल, रिद्धमान शाह, केन विलियमसन, हार्दिक पांड्या, मैथ्यू वेड, राहुल तेवतिया, साई किशोर, राशिद खान, यश दयाल, अल्जारी जोसेफ, मोहम्मद शमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।